गार्डन फंक्शन हॉल में एक सबसे बड़ा यादगार तारीखी प्रोग्राम होने जा रहा है। उस मौके पर वैक्सीनेशन कैंप का इंतजाम किया गया, ब्लड डोनेशन कैंप का इंतजाम किया गया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आते हैं उनका भी इंतजाम किया गया, मेडिकल कैंप यहां पर गरीब गुरबाओं के लिए, हेल्थ कार्ड, मेडिसिन से लेकर सारी चीजें वहां पर रखा गया है फ्री। नेक्स्ट छोटे दरख्तों का वो भी एक कैंप रखा गया, वो भी तकसीम होंगे गरीबों में। नेक्स्ट ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो जिले सतह पे रखा गया, जो भी फर्स्ट सेकंड जो आएगा उसको गोल्ड मेडल सिल्वर गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाज दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्ट एग्जीबिशन की भी नुमाइश है यहाँ। तो उस मौके पे यादगीर कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री वेंकट रेड्डी मुद्दाण साहब उनको भी इन्वाइट किया गया, नागनगौड़ा कनपुर जो गुरमुटकार के हमारे एमएलए साहब हैं उनको भी इन्वाइट किया गया, चंद्रनी गौड़ा पाटिल तुन्नूर माजी एमएलसी वो भी आएंगे, श्री एसी काटू साहब जवान सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है तो वो भी शामिल होंगे, शरण गोपाल रेड्डी नायकल बीजेपी सदर यादगीर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बसवराज चंद्र की अध्यक्ष नगर अभिवृद्धि प्राधिकार यादगीर वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, कुमारी ललिता अनपुर जी उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा यादगीर। नेक्स्ट विलास पाटिल अध्यक्ष नगर सभा यादगीर, श्री लायक हुसैन बदल अध्यक्ष बैतुल मान यादगीर, डॉक्टर रफीक सौदागर अध्यक्ष उर्दू कमेटी यादगीर, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖುರೇಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಗ್ಯರ್ ತೋ ಯೇ ಹಮಾರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಔರ್ ಖುಸೂಸನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ಔರ್ ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವ ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ವೋ ಭಿ ಆಯೆಂಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಗ್ಯರ್ ವೋ ಭಿ ಆಯೆಂಗೆ, ಶಿಲ್ಪಾ शर्मा मैडम जी जो सीईओ यादगीर के हैं उनको भी इन्वाइट किया गया, शंकर कौरव सोमनाथ यादगीर में एडीसी के वो भी आए, संतोष बंगाटे सर डीवाईएसपी यादगीर। तो ये तमाम ऑफिसरों के साथ मिलकर यादगीर को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, इसके अंदर बेस्ट टीचर अवार्ड, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड, बेस्ट डॉक्टर अवार्ड, बेस्ट सोशल एक्टिविटी अवार्ड, बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड, ये सारे लोगों को उस स्तर पर हिम्मत अफजाई के लिए इन ऑफिसरों के हाथ से उनको अवार्ड देने का प्रोग्राम रखा गया। मैं यादगीर और यादगीर के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से मैं विनती करता हूं कि इस प्रोग्राम में आके ये जितने लोग भी हिस्सा लेंगे, स्टूडेंट है, वैक्सीनेशन कैंप है, वैक्सीनेशन कैंप जैसे कि भारत में एक महामारी चल रही है उसके तहत वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है, तो वो भी रखा गया है, आप बढ़ चढ़ कर आके इस प्रोग्राम को कामयाब करने का।